नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2017 बैच के फोर्थ सेमेस्टर को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेरी आप लोग के आ रहे थे। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वर्तमान स्थिति क्या है और परीक्षा कब तक संभावित हो सकती है, दोनों मुद्दों को इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो यदि आप भी डीएलएड 2017 बैच से रिलेटेड है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसा कि एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को अवगत करा दिया था कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने की वजह से अक्टूबर 2019 में डीएलएड 2017 बैच के फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि पीएनपी के द्वारा भी यह सूचित किया गया था कि दिवाली के आसपास आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। अब 27 अक्टूबर 2019 को दिवाली है तो निश्चित तौर पर अक्टूबर में हो पाना लगभग नामुमकिन है। अब बात कर लेते हैं कि आगे कब तक संभावित हो सकता है, तो आप लोग के अभी के प्रयास ही यह डिसाइड करेगा कि आपका एग्ज़ाम भविष्य में कब तक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर अभी से आप लोगों ने प्रयास नहीं किया और इसके लिए संघर्ष नहीं किया तो हो सकता है कि नवंबर में भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाए आपके एग्ज़ाम को लेकर के। क्योंकि जब एक बार नोटिफिकेशन यूपी टेट 2019 के लिए जारी कर दी जाएगी पीएनपी के द्वारा, तो पीएनपी का पूरा फोकस यूपी टेट की परीक्षा पर आ जाएगा, ना कि आपकी सेमेस्टर परीक्षा पर। क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा में शासन का भी पूरा रोल रहता है और उनके द्वारा भी बहुत दिलचस्पी दिखाई जाती है पेपर को निष्पक्ष तरीके से कराना और भी विभिन्न तैयारियों को लेकर के। तो निश्चित तौर पर पूरा फोकस पीएनपी का यूपी टेट की परीक्षाओं पर आने वाला है। तो आप सभी अभी से संघर्ष करें ताकि आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम नवंबर या फिर मिड नवंबर तक कैसे भी करा लिए जाए। मैं उम्मीद करूँगा आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।